अभी बताएंगे कि चाइल्ड इनरोलमेंट कैसे होता है एक से लेकर पांच साल का बच्चा का, ठीक है, एक साल से लेकर पांच साल का बच्चा का चाइल्ड इनरोलमेंट होता है। न्यू दर्पण में कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेंगे। पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये देखिए, अभी मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे थे तो इसको बैक कर रहे हैं। सर्वर थोड़ा स्लो है इसी वजह से कैप्चा नहीं आ रहा जल्दी। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है इनरोलमेंट में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट, अभी मोबाइल अपडेट कर रहे थे। इनरोलमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डू यू हैव बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर BRN, ऑटोमेटिकली नो करके लिखा रहेगा, ठीक है। नो करेंगे, यस करेंगे तो आपको पूरा मैनुअली सब कुछ देना होगा, तो नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बच्चे को होगा, ठीक है, जिसके नाम से आधार कार्ड बनेगा, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास, तो उसमें से स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा कैपिटल में लिखना रहता है शुभा, स्पेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग अगर नहीं चेक किए, गलती से इनरोलमेंट हो गया तो फिर करेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। शुभा मोए जाना है ना, ये नाम है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना, ठीक है। जेंडर पूरा लाइफ टाइम में एक ही बार आप चेंज कर सकते हैं, तो जेंडर मेल या फीमेल है इसको चेक करना रहता है। तो ये मेल है तो मेल यहाँ पे क्लिक करेंगे। और बर्थ सर्टिफिकेट भी पूरा लाइफ में आप दो एक ही बार करेक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसीलिए डेट ऑफ बर्थ देने से पहले बहुत बार चेक करना चाहिए कि सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, 8 नवंबर 2022 है, तो यहाँ पे भी 8 नवंबर 2022 है, दोनों चेक कर लेंगे, ठीक है। 8 नवंबर 2022 लिखा है। मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देना चाहिए क्योंकि अभी राशन में प्रॉब्लम हो जाता है, राशन नहीं मिलेगा। तो मोबाइल नंबर दीजिए 6297 4546। उसके बाद मदर या फादर का आधार नंबर मांगता है। यहाँ पे देखिए फादर है, उससे पहले मदर का था, तो जो भी गार्जियन एज ए गार्जियन आएंगे उनका बर्थ उनका आधार नंबर लेना है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी दे सकते हैं, आप ही का दे दीजिए। आपका घर कहाँ पे है, एक ही इतना ही, आप ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मदर का दे देते हैं, मदर या फादर दोनों एक ही होता है, क्योंकि पांच साल के बाद तो बायोमेट्रिक अपडेट कराना रहता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट कराना रहता है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मदर या फादर दे कोई भी चलेगा। उसके बाद अभी देखिए फोटोग्राफ मांग रहा है, यानी कि बच्चे का फोटोग्राफ लगेगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप एंड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे फोटो लेना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ लेंगे बच्चे का, बच्चे का फोटोग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए दूसरे का फोटो नहीं आना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, पीछे सब ये बहुत जरूरी रहता है। बाबू थोड़ा इधर देखो, इधर 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 सिर्फ बच्चे का फोटो लेना है, गार्जियन का या अदर कोई पर्सन का नहीं लेना। अरे वहाँ आगे कोई किसी ने ये दिखा हो शायद आगे दिखे। अच्छा फेस उधर कर दीजिए। अभी बच्चे का फोटो ले लिए हैं। बच्चे का फोटो लेने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना रहता है, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहा है। यहाँ पे देखिए इंडियन या फॉरेन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, नेपाली, भूटानीज पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये सब नहीं लगाना है। बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक करना है, ठीक है। जीरोक्स में करेंगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अभी फोटो लेंगे इधर, तो इस तरह से फोटो ले लिए। फोटो लेने के बाद यहाँ पे देखिए बच्चे का भी फोटो हो गया है, डॉक्यूमेंट टाइप एंड सब कुछ ओके है, एंड पेरेंट का ऑथेंटिकेशन जिसका अभी आधार कार्ड दिए थे एंट्री किए तो उसी का फिंगरप्रिंट लगेगा, मदर का दिए थे मदर का फिंगरप्रिंट अभी लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सक्सेस हो गया, ऑथेंटिकेशन सक्सेस। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ये सब आ गया है। प्रीव्यू रिव्यू करना है, ठीक है, रिव्यू करना ज़रूरी रहता है। रिव्यू करेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आ गया बच्चे का, ठीक है। अगर कोई भी गलती कर दिया तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन होगा तो ऑपरेटर यानी मेरा फिंगरप्रिंट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा फिंगरप्रिंट सक्सेस हो गया है, ऑथेंटिकेशन सक्सेस, ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेस, पेरेंट डिस्क्लोजर यस कर दिए हैं, मेरा आधार आईडी है, ठीक है, ऑल्सो ओके। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, प्लीज़ वेट, डिटेल्स आर सिंकिंग विद सर्वर, थोड़ा वेट करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए चिंता नहीं करना, बैक नहीं करना, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, बैक करना नहीं है। आपको बैक नहीं करना है, एज इट इज रखे रहना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एनरोलमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। एनरोलमेंट करने टाइम आपका नाम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर गलत हो गया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन तीन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तीन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला नाम, दूसरा जेंडर, तीसरा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके बाद कोई भी चीज़ गलत हो गया तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन इन तीनों चीज़ में मॉडिफाई करने जाएंगे तो आपको बहुत हैरासमेंट भी होगा, जो भी कैंडिडेट है उनको हैरासमेंट होगा, और आप पे पेनाल्टी भी लग सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, आधार अथॉरिटी के द्वारा। इसीलिए जब भी आधार इनरोलमेंट करने जाएंगे तो सावधानी से आपको करना है, ठीक है, ओके।